के मुहाने से ही ऑस्ट्रेलिया के वेटलैंड्स शुरू हो जाते हैं। इस महाद्वीप के समुद्र तट के ज्यादातर हिस्से में जो मैनग्रोव्स हैं, उनके खारे पानी में खतरनाक जानवरों की भरमार है। लेकिन खारे पानी के मगरमच्छ से ज्यादा डरावना कुछ नहीं है। वैसे दोस्तों और दुश्मनों के बीच ये सॉल्टी के नाम से ज्यादा मशहूर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जिंदा रेप्टाइल है, जो 7 मीटर तक लंबा और 1 टन तक भारी हो सकता है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तटों पर इनका एक छत्र राज है। इनके पास दमखम भी है और हथियार भी। इनके मुंह में जो तेज ब्लेड जैसे 60-60 दांत होते हैं, वो चबाने के लिए नहीं, जान से मारने के लिए होते हैं। जो बदकिस्मत इनके सामने पड़ गया, समझो मर गया। जो इनके ज्यादा नजदीक जाता है, वो कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन ये बेरहम हत्यारे किसी किलिंग मशीन जैसी कुशलता से शिकार तभी कर पाते हैं जब इनके शरीर का तापमान बिल्कुल सही हो। इसलिए खारे पानी का मगरमच्छ कोशिश करता है कि उसके शरीर का तापमान हमेशा 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहे। पर इन्हें अपने दिमाग को ज्यादा गर्म होने से भी बचाना होता है। इसके लिए ये अपना मुंह खोलकर हांफते हुए खुद को ठंडा भी करते रहते हैं। मगरमच्छों का दिमाग छोटा जरूर होता है, लेकिन अपने शिकार का पीछा करके उसके खान पान वगैरह की आदतों को समझने की सॉल्टीज में पूरी अक्ल होती है। शिकार के पैंतरे ये काफी छोटी उम्र से सीखने लगते हैं। नौजवान मगरमच्छों के निशाने पर ज्यादातर एक खास मछली रहती है जो जमीन पर भी चल सकती है, मड स्किपर। जब ज्वार कम होता है तो सतह से नीचे के खतरों से बचने के लिए मड स्किपर्स पानी से बाहर निकल आती हैं। लेकिन बाहर निकलने से पहले वो अपने गलफड़ों के चेंबर्स को फुलाकर उनमें पानी भर लेती हैं। ये चेंबर्स इतनी अच्छी तरह से सील बंद होते हैं कि इस मछली के गलफड़ों का गीलापन बना रहता है और वो जमीन पर भी मजे से सांस लेती रहती है। लेकिन पानी के अंदर के खतरों से बचने का ये मतलब नहीं कि अब उन्हें कोई खतरा ही नहीं रहा। यहां उन पर शिकार के पैंतरे आजमाने और हाथ साफ करने के लिए नौजवान मगरमच्छ मौजूद रहते हैं। आगे चलकर इन्हें जो बड़े बड़े शिकार मारने हैं, उसके लिए ये सही ट्रेनिंग है। सुबह पूरी खिल चुकी है। मगरमच्छ बॉस और उसके हरम की एक मादा मगरमच्छ धूप सेंकने के बाद शिकार करने अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। ये एक तेज तैराक है। छोटी दूरी में इसकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। दोनों अपने अपने शिकार की तलाश में धारा के खिलाफ जा रहे हैं। वेटलैंड्स में आपको हर कहीं वाटर बफलोज नजर आ जाएंगे। ये पश्चिम एशिया से यहाँ लाए गए थे, पर अब आवारा पशुओं की तरह घूमते हैं। यहाँ इनका खाना है पानी में उगने वाली घास। एक मेल बफलो का वजन 1 टन तक हो सकता है और वो एक दिन में 30 किलो तक घास पत्ती खा जाता है। गर्मी बढ़ने लगती है तो बफलोज अपनी प्यास बुझाने और नहाने के लिए पानी की ओर चल पड़ते हैं। मादा मगरमच्छ उन्हें आते देखती है। वो छुपकर उनके पास आने का इंतजार करने लगती है। डायनासोर्स के जमाने से लेकर आज तक मगरमच्छों में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है।
ये बने ही हैं घात लगाने के लिए। पानी की सतह पर सिर्फ इसकी आंखें, कान और नथुने ही नजर आ रहे हैं, पर जब ये शिकार करने के लिए आगे बढ़ती है तो पानी में पूरी तरह से नीचे जाकर छिप जाती है। इसके नथुने सिकुड़ जाते हैं और गले पर एक चमड़ी का पल्ला सा चढ़ जाता है, जिससे मुंह खोलने पर भी पानी इसके फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाता। फिलहाल इसका निशाना है एक छोटा बफलो जो कुछ ज्यादा ही गहरे पानी में चला आया है। और फिर वही बदनाम डेथ रोल, यानी जानलेवा झटके दे देकर शिकार का काम तमाम। नर ने भी एक प्यास के मारे शिकार को ताड़ लिया है। मासूम वॉलबी नहीं जानता कि यहां पानी में मौत छुपी बैठी है। मगरमच्छ के आने की जरा भी आहट नहीं होती। प्यासा वॉलबी खुद चलकर मगरमच्छ बॉस के कत्ल खाने में आया है से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उछलकर शिकार पर टूट पड़ता है। मगरमच्छ इंसान की तरह अपने जबड़े को दाएं बाएं नहीं चला सकता, इसलिए अपने शिकार को निगलने लायक टुकड़ों में तोड़ने के लिए वो उसे जोर जोर से झटकता है। उसे हजम करने के लिए दोनों मगरमच्छ अपने मैनग्रोव्स के घर में लौट आते हैं, जहां खारे पानी का मगरमच्छ अपनी बेपनाह ताकत के दम पर शिकार करता है। वहीं एक दूसरा शिकारी है जो है तो छोटा, लेकिन शिकार में उसका हुनर अव्वल दर्जे का है। ये है आर्चर फिश। ये मछली कोई मौका नहीं छोड़ती और गजब का निशाना लगाती है। पानी में से जो मिल जाए ये सब खा लेती है। पर कमाल की बात ये है कि इसने पानी और अपने बस के बाहर के शिकारों को पकड़ना भी सीख लिया है। आर्चर फिश को आप फिजिक्स की मास्टर समझिए, क्योंकि ये बिजली की तेजी से हिसाब लगाकर अपने शिकार पर निशाना लगा सकती है और उसे नीचे गिरा सकती है। इस गार्डन ऑब वीवर मकड़ी ने अपना जाला बनाने के लिए टहनी तो बहुत अच्छी चुनी थी, पर बिचारी ये नहीं जानती थी कि उसका नया घर आर्चर फिश की पहुंच में है, जो अपने से 2 मीटर दूर तक के शिकार को पकड़ सकती है। अपने शिकार को ताड़ते वक्त आर्चर फिश रिफ्रैक्शन, यानी हवा से गुजरकर पानी में आते हुए प्रकाश के मुड़ने का हिसाब लगाती है। नीचे से देखने पर शिकार ऐन वही नहीं होता जहां नजर आ रहा होता है। निशाना बिल्कुल सही लगा था, पर मकड़ी ने टहनी को कसकर पकड़े रखा और खुद को संभाल लिया। मछली ने अपने मुंह के अंदर के खांचे में अपनी जीभ को दबाकर पानी निकालने के लिए एक कीप नुमा ट्यूब सी बना ली। अब जैसे ही उसके गलफड़ों का खास ढक्कन खट से बंद हुआ तो कीप नुमा ट्यूब से पानी की बौछार निकली, पर मकड़ी की पकड़ इस बार भी ढीली नहीं हुई। मछली को ध्यान देना होगा कि पानी की बौछार घूमकर जा किस तरफ रही है। इस बार उसने बौछार को शिकार की तरफ मोड़ने का काम ग्रेविटी को करने दिया।